So hello students, as we have already seen the explanation of our chapter food, so now it's time for question and answer. Question answer of food, it begins with the essays that is on the page number 145. So first of all we'll go for the essays. So in the essays, first question is what? First question it is, what do we call those animals that eat only plants and plant product? So while explanation we have seen three type of like herbivores, carnivores, omnivores etc. So out of them only herbivores जो कि only plants को observe करते हैं, तो that correct answer is herbivores, उनको category को बोलते हैं herbivores. Then second one is what do we call those animals that feed on dead plants and animals? ऐसे कौन से organisms होते हैं जो मरे हुए plant और animal को खाते हैं? तो वो भी हमने देखा था, इसी में हमारे पास में बहुत सारे थे ना, कार्निवोरस है ना, ओमनीवोरस, हर्बीवोर्स, स्केवेंजर्स, डिकम्पोजर्स. तो हमने देखा था कि जो स्केवेंजर्स थे वो बिल्कुल जो मरे हुए थे प्लांट्स एंड एनिमल्स थे उनको खाते थे, तो स्केवेंजर्स आ जाएगा हमारा इधर. दैट इज द करेक्ट आंसर. देन थर्ड वन, नेम एन एनिमल प्रोडक्ट यूज टू मेक ऑमलेट्स. तो ऑमलेट किससे बनता है सबको पता है, तो ऑमलेट इज मेड अप ऑफ एग्स, तो एग इज अ करेक्ट आंसर. देन वेयर डू डिकम्पोजर्स ऑब्टेन देयर फूड. तो अब पूछे डिकम्पोजर्स को खाना कहाँ से मिलता है, तो हमको सबको पता है कि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, इन्हीं मरे हुए प्लांट्स को और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करता है. सो दे गेटिंग आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को ब्रेक डाउन मतलब उनके टुकड़े करने के बाद में उनको खाना मिलता है. ये तो ऐसे इसका था ऑल फोर क्वेश्चंस. लास्ट वन इज देयर, फाइव फिफ्थ क्वेश्चन, इफ वी आर ईटिंग पॉपकॉर्न विच पार्ट एक्चुअली वी आर कंज्यूमिंग. पॉपकॉर्न किससे बनता है, मेज से. पॉपकॉर्न बनता है अपना मेज से, और मेज कौन सा पार्ट है प्लांट का, सो मेज इज ऑब्वियसली द सीड पार्ट है. मेज क्या है, सीड है ना, सो पॉपकॉर्न हमको मिलता है सीड से. दैट इज द करेक्ट आंसर. देन विल मूव फॉरवर्ड टू द अवर इवेल्युएट पोर्शन. सो जस्ट नोट इट डाउन एंड विल गो टू द इवेल्युएट पोर्शन. इन इवेल्युएट इट इज स्टार्टिंग विथ एम सी क्यूज. सो फर्स्ट एम सी क्यू विल सी, आउट ऑफ फोर वी हैव टू सेलेक्ट वन. सो फर्स्ट एम सी क्यू इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हर्बीवोर. हर्बीवोर मतलब जो सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट ही खाते हैं. एग्जाम्पल दिए मैन, तो मैन नहीं है हर्बीवोर. एलिफेंट, एलिफेंट हो सकता है. देन फ्रॉग भी नहीं है एंड स्पैरो भी नहीं है. सो फर्स्ट एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एलिफेंट. देन सेकंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन इज हनी, पीजन पी. तो पीजन पी, पीजन पी तो ऑब्वियसली पी है तो प्लांट से मिलता है. चिकन पीज, तो चिक पीज बोला है तो पीज अगेन प्लांट से. देन लेंटिल, लेंटिल्स भी प्लांट से. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. हमको क्या मिलता है, हनी जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए. हनी हमको किससे मिलती है, हनी बीज से. तो हनी बीज क्या है, एनिमल से, तो वो पूछा है. देन थर्ड, विच ऑफ दीज फूड डाइजेस्टेड बाय अदर एनिमल. ऐसा कौन सा खाना है जो मतलब ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऐसा खाना खाते हैं जो कि दूसरों के द्वारा ऑलरेडी डाइजेस्ट किया जा चुका है. तो एग्जाम्पल है काऊ, टाइगर, स्नेल या ग्रास. तो काऊ कभी दूसरों का खाना नहीं खाती है, टाइगर नहीं खाते हैं, ग्रास तो खुद ही खाना है. तो ऑप्शन सी हमारा बच गया, स्नेल. सो सी इज द करेक्ट आंसर, स्नेल फॉर थर्ड. देन फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ एमसीक्यू इज, विच वन ऑफ दीज फूड इंग्रेडिएंट्स डू वी नॉट गेट फ्रॉम इधर प्लांट्स और एनिमल्स. इन चारों में से ऐसी क्या चीज है जो हमको न तो प्लांट से मिलती है ना एनिमल से. तो जैसे वीट है, तो वीट मतलब गेहूं तो हमको प्लांट से मिलता ही है. देन कर्ड है, तो कर्ड भी हमको किससे मिलता है, मिल्क से. तो मिल्क एनिमल से मिलता है, तो ये भी मिलता है. देन सुगर, तो सुगर हमको किससे मिलती है, सुगर केन से. एंड सुगर केन इज वॉट, प्लांट. तो ये भी है. देन लास्ट ऑप्शन सॉल्ट, बी इज अवर करेक्ट आंसर. सॉल्ट हमको न तो प्लांट से मिलता है न एनिमल से. देन नेक्स्ट नेक्स्ट एम सी क्यू इज, विच टर्म इन द फॉलोइंग इंक्लूड्स द अदर थ्री. मतलब तीन ऐसे कैटेगरी दी हुई है, एक तो दिया ड्रैगन फ्लाई, एक दिया हुआ है अपना स्नैक,
एंड एक दिया है लायन, एंड फोर्थ वन दिया है कार्निवोर। तुमको ये बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीजें जो इन तीनों को इकट्ठा करके चलती है। देन ड्रैगन फ्लाई, स्नेक एंड लायन। तो ये हम लोग क्या देखते हैं, ड्रैगन फ्लाई, स्नेक एंड लायन, ये तीनों क्या करते हैं, सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, एनिमल्स या एनिमल्स प्रोडक्ट को खाते हैं। तो जो उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स, जो एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट को खाते हैं। सो कार्निवोर इज करेक्ट आंसर एंड कार्निवोर इज एट सी। सो फिफ्थ का आंसर हमारा हो गया कार्निवोर, है ना। देन सिक्स लास्ट एमसीक्यू, द फ्लावर ऑफ प्लांट एक्स, कोई एक्स करके एक प्लांट है, उस फ्लावर का जो लीव्स हैं वो तो वेजिटेबल में काम आती है, एंड फ्रूट जो है वो न्यूट्रिशियस है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है मैंगो, तो मैंगो के लीव्स हम लोग कभी नहीं यूज करते हैं। देन पपाया, पपाया की भी लीव्स नहीं यूज करते हैं। देन कैरेट, कैरेट के लीव्स भी हम लोग फेंक देते हैं। देन बच्चा क्या हमारा, बनाना। तो बनाना ऐसा है जिसके लीव्स भी काम में आते हैं एज ए वेजिटेबल, एंड फ्रूट तो ऑब्वियसली हम बनाना खाते ही है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर सी। सो दिस वॉज द एमसीक्यू। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो शॉर्ट आंसर में पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज मिल्क नेसेसरी फॉर अस। तो मिल्क क्यों नेसेसरी है, तो हमको सबको पता है कि मिल्क जो है, पहला तो मिल्क इज ए सोर्स ऑफ, बिकॉज मिल्क इज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशंस बहुत सारे मिलते हैं हमको इससे। देन हम लोग लिख सकते हैं मिल्क इज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन, हमको प्रोटीन भी मिलता है। देन हम लोग लिख सकते हैं मिल्क इज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम, मिल्क से हमको कैल्शियम भी मिलता है, कैल्शियम। सो दीज थ्री यू कैन राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनिमल हैज ब्रॉड शार्प टेज फ्रंट टिथ। मतलब ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके सामने के जो दांत हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, शार्प होते हैं, मतलब बहुत तीखे होते हैं, उस एनिमल का नाम बताना है। तो वो कौन सा था हमारा ऐसा एनिमल, हमने देखा भी था, तो वो जो था हमारा एनिमल था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वेरल, मतलब जो गिलहरी होती है उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। सो स्क्वेरल इज ए करेक्ट आंसर, बट उसके आगे एक और क्वेश्चन पूछा है, नहीं इतना ही है क्वेश्चन। देन थर्ड है, दीपू वॉन्ट्स टू मेक पनीर, दीपू को पनीर बनाना है, तो वो कैसे बनाएगी, क्या प्रोसेस फॉलो करेगी। तो ये भी हमने देखा था कि पनीर किससे बनता है, मिल्क से, और मिल्क से कैसे पनीर बनता है उनका, उसका कर्ड बनने के बाद में। सो प्रोसेस कौन सी हो गई, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यही पूछा है कि किससे बना, तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क से, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करो देन पनीर मिल जाएगा, ये हमने एक्सप्लेनेशन में भी देखा था। सो कर्डलिंग ऑफ मिल्क। देन फोर्थ क्वेश्चन, राधिका सॉ एन एनिमल फीडिंग ऑन डेड एनिमल पार्ट्स। राधिका ने देखा एक एनिमल है जो कि डेड प्लांट को खाता है, एक्सप्लेन व्हाट दीज एनिमल्स आर कॉल्ड, उन ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड व्हाट देयर स्पेशल फीचर, और उनकी स्पेशल फीचर्स क्या है। तो ऑब्वियसली हम वैसे एनिमल्स को क्या बोलते थे, स्केवेंजर्स, अभी देखा भी था ऐसे इसमें कि स्केवेंजर्स बोलते हैं। अब स्केवेंजर्स के स्पेशल फीचर कौन कौन से होते हैं, एक तो ये कि दे प्रोवाइड सपोर्ट टू नेचर, मतलब नेचर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू नेचर, नेचर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज बैलेंसिंग नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा हमको क्या डेड बॉडीज दिखेगी, यही क्वेश्चन है। देन एक और अब हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि दे ईट डेड एंड डेड प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, एनिमल्स ये उनका खाना होता है ना। देन फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज ए काउ अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशंस फ्रॉम हार्ड टू डाइजेस्ट फूड सच एज ए ग्रास। मतलब घास जैसी चीज इतनी कठोर होती है उसको भी काउ कैसे डाइजेस्ट कर जाती है। तो हमने देखा था काउ के पास में एक एबिलिटी होती है, तो इसका आंसर हम वो एबिलिटी वाला आंसर लिखेंगे। सो काउ हैव एन एबिलिटी, काउ के पास एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू गेट सोलन, जो कि एक बार और ऑलरेडी खा चुका है, सोलन फूड बैक फॉर चेविंग इट सेकेंड टाइम। मतलब ये है कि गाय के पास में एक ऐसी एबिलिटी होती है कि अगर उसने कोई खाना निगल चुकी है वो, तो उसको भी वापस से अपने मुंह में ला सकती है, और मुंह में लाने के बाद फिर सेकेंड टाइम उसको चबा सकती है, च्यूइंग इट द सेकेंड टाइम। तो उनके पास वो एबिलिटी होती है, इसकी वजह से घास जैसी कठोर चीज भी काऊ आराम से खा सकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लैक्टोकोकस लैक्टिस।
लैक्टोकोकस लैक्टिस क्या है, तो ये मैं पहला वाला मिटा देता हूँ, दूसरा भी मिटा देता हूँ, इसके ऊपर लिखेंगे। सो लैक्टोकोकस लैक्टिस क्या है, ये हमारा एक बैक्टीरिया है। सो सिक्स्थ वन, लैक्टोकोकस लैक्टेसिस क्या है हमारा, इधर लिख रहा हूँ मैं, बैक्टीरिया। लैक्टोकोकस लैक्टेसिस है बैक्टीरिया। अभी उसने क्या पूछा है, हाउ कैन वी यूज देम इन अवर डेली लाइफ। तो लैक्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया डेली यूज में कैसे काम आता है, तो डेली यूज में ये कैसे काम आता है, ये हमारे मिल्क को टर्न करता है कर्ड में, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। ओके, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि लैक्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू द कर्ड। खत्म है बात, ये हमारा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटरफ्लाइज डू नॉट हैव टीथ, बटरफ्लाइज के पास दांत नहीं होते, देन हाउ दे आर गेटिंग देयर फूड, वो अपना खाना कैसे खाती है और कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करती है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। सो हमको पता है कि बटरफ्लाई क्या करती है, बटरफ्लाई फ्लावर पे जाती है, वहां पे से नेक्टर से हनी लेकर फिर अपने हनी कॉम्ब में जाती है। तो उनके पास में क्या होता है, एक पाइप होता है, मतलब माउथ जो होता है उनका वो स्ट्रॉ के जैसा होता है, पाइप के जैसा। तो वही आंसर भी उसका वही है कि बटरफ्लाईज, मैं आंसर लिखता हूँ इसका, बटरफ्लाई का मुंह कैसा होता है, बटरफ्लाईज माउथ शेप इज लाइक स्ट्रॉ, स्ट्रॉ के जैसा होता है। ठीक है, स्ट्रॉ मतलब जो पाइप होती है ना जिससे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, सो लाइक ए स्ट्रॉ उनका मुंह होता है फॉर सकिंग, मतलब फ्लावर से वो क्या करती है, शक करती है उस नेक्टर को, सकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। सो दैट इज द आंसर फॉर शॉर्ट आंसर्स। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। सो ओके, इसके लॉन्ग आंसर तीन है, देन हॉर्स एंड देन ओलंपियड्स। सो अप टू नाउ यू जस्ट राइट दिस MCQs एसेज एंड शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट डे वी विल ट्राई फॉर लॉन्ग आंसर, हॉर्स एंड ओलंपियड, एंड राइट ऑल दीज इन योर नोटबुक। थैंक यू।